नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ 17 किचन टिप्स जो आपको मास्टर शेफ बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, बैंगन खरीदते वक्त ध्यान रखें, ऐसे बैंगन खरीदें जो हल्के हो। भारी बैंगन अधिक बीजों के साथ होते हैं और पके हुए होते हैं और बैंगन का स्वाद भी कड़वा होता है। नंबर 2, हरी मिर्च काटने के बाद अगर आपके हाथों में तेज जलन होती है तो आइस क्यूब हाथों पर लगा ले, इससे आपके हाथों की जलन दूर हो जाएगी। नंबर 3, जब भी हम बैंगन का भरता बना रहे हो तो बैंगन को भूनने के तुरंत बाद ठंडा पानी डाल दे, इससे बैंगन के छिलके आसानी से उतर जाएंगे। नंबर 4, दूध को गर्म करने के बाद में जग में डालकर ठंडे पानी में रख दे, इससे दूध में गंध पैदा नहीं होगी। नंबर 5, मिर्च को खराब होने से बचाने के लिए आप उसमें हींग रख दे, इससे मिर्च लंबे समय तक चलेगी। नंबर 6, मसालों को अगर आपको लंबे समय तक चलाना है तो बीच बीच में धूप दिखाते रहे, इससे मसाले लंबे समय तक खराब नहीं होंगे। नंबर 7, गाजर को ताज़ा रखने के लिए गाजर को फ्रिज में ना रखें, फ्रिज में गाजर जल्दी खराब हो जाती है। गाजर को हमेशा रूम टेम्परेचर पर ही रखें और कपड़े से ढककर रखें। नंबर 8, किचन की तौलिया को साफ करने के लिए आप कुछ देर माइक्रोवेव में रख दे, इससे उसमें पैदा होने वाले बैक्टीरिया सारे खत्म हो जाएंगे। नंबर 9, झूठे बर्तनों को तुरंत साफ करके अपनी जगह पर रख देना चाहिए, क्योंकि झूठे बर्तनों में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। नंबर 10, बची हुई चाय की पत्ती को सुखा ले, उनको कमरे के एक कोने में रखकर जला दे, इससे कमरे में मच्छर नहीं आएंगे। नंबर 11, गर्म पानी में नमक डालकर फूल गोभी को काट कर डाल दे, इससे उसमें जो भी कीड़े होंगे सब खत्म हो जाएंगे। नंबर 12, कभी भी सब्जी बनाते वक्त ग्रेवी में ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए, पानी हमेशा ग्रेवी में गर्म ही डालें, इससे सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। नंबर 13, खीरे के छिलके को कभी भी फेंके नहीं, अगर आप खीरे को छीले तो छिलकों को फेंके नहीं, अपनी आँखों के ऊपर रखे, इससे आंखों के डार्क सर्कल दूर हो जाएंगे और आंखों को ठंडक मिलेगी। नंबर 14, आलू को सफ़ेद रखने के लिए उसे काटकर ठंडे पानी में रख दे, इससे आलू काले नहीं पड़ेंगे। नंबर 15, दालों को कीड़ों से बचाने के लिए दाल के डिब्बे में थोड़ी सी नीम की पत्तियां डाल दे, इससे दाल में कीड़े नहीं लगेंगे। नंबर 16, उबले हुए चावल के पानी को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, इसका प्रयोग आप आटा लगाने में या दाल बनाने में भी कर सकते हैं। नंबर 17, आलू की सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पुदीना डालें, सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।